थर्ड इशू इज़ द वेरी बिगेस्ट इशू, अगर आपके घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो आप हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम गौतम, आज मैं एक नया व्लॉग लेकर आया हूँ MET यूनिवर्सिटी के बारे में, और ये व्लॉग है BPED कोर्स के बारे में, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मैं और मेरा दोस्त ने एडमिशन लिया MET यूनिवर्सिटी में सितंबर या अक्टूबर में, उसके बाद हमने ज्वाइन किया नवंबर और दिसंबर में कॉलेज को, क्योंकि उससे पहले लॉकडाउन लगा था तो हम जा नहीं पाए थे। फिर अराउंड नवंबर दिसंबर हम चले गए कॉलेज में, उसके बाद क्या हुआ, हमने कॉलेज ज्वाइन किया, हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सबमिट करा दिए, कोविड रिपोर्ट, RT-PCR रिपोर्ट वगैरह सब सबमिट करा दिया। उसके बाद जो हमारा शेड्यूल था वो 9 to 5 था, तो 9 to 5 में हमारा 9 to 1 होती थी प्रैक्टिकल क्लास शुरू की, 4 क्लासेस होती थी, उसके बाद 2 से 5 होती थी हमारी थ्योरेटिकल क्लास। इन थ्योरेटिकल क्लास में हमें थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी एंड ऑल, और प्रैक्टिकल क्लासेस में हमें टीचिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और गेम स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट वो उसमें हमारा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, स्क्वाश वगैरह आता था। उसके बाद आफ्टर 5 हमारी क्लासेस ओवर हो जाती थी, उसके बाद हम अपना गेम खेल सकते थे, आपको जो भी करना है आप कर सकते थे। तो MET यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और प्रैक्टिकल में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप इजीली बच्चों को सिखा सकते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस, सोशल स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, लीडरशिप क्वालिटी, सोशल इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा हो जाता है, और आपकी जो थोड़ा इंग्लिश बोलने की जो झिझक रहती है, आप नहीं बोल पाते, वो आपकी पूरी हो जाती है, मतलब आप इजीली ओपन अप होके किसी के भी सामने इंग्लिश बोल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं होता। उसके बाद जो बात करते हैं MET में मुझे प्रॉब्लम क्या क्या आई जब मैंने उसे ज्वाइन किया, या फिर मैं तो क्योंकि पहले भी BPS किया था, पर उतना उस वक्त लॉकडाउन से पहले उसमें इतना प्रॉब्लम्स नहीं था जितना उसमें लॉकडाउन के बाद हो गया, उनके काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह चेंज हो गए। तो मुझे जो प्रॉब्लम आई वो बेसिकली ये हो गई थी कि पहले जो था बायोमेट्रिक नॉर्मल था कि आपको फिंगर लगाना है उसके बाद चले जाओ कॉलेज में, बट द रियल इशू ऑल द स्टूडेंट्स फेस आफ्टर द लॉकडाउन व्हेन द कॉलेज रीओपन इन 2021 इज फेस बायोमेट्रिक, एंड दिस इज़ अ होल न्यू प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज इफ़ यू हैवेंट डन योर बायोमेट्रिक बिफोर द 9 or 9:15 देन योर अटेंडेंस वोंट बी मार्क्ड। लाइक इफ़ यू एंटर्ड, अगर आपने 9:15 के बाद एंटर्ड कर दिया तो आपकी पहली क्लास गई, अटेंडेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी शोन हो गया है कि आपको भाई अटेंडेंस नहीं मिल सकते क्योंकि आप कॉलेज में अवेलेबल नहीं हो। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी कि टाइम पे ही जाना होता था कॉलेज में, अगर टाइम पे नहीं जा पाओगे तो भूल जाओ कि पहली अटेंडेंस मिलेगी, और अगर आप कॉलेज के बीच में से भी अगर बाहर चले जाते हो ID कार्ड लगा के, या बायोमेट्रिक आपका नहीं हो पाता है, जैसे कि आपका क्लास हुआ 1 बजे ख़त्म और आप 1 बजे बाहर निकल गए, 1 बजे से पहले 1 मिनट पहले ही बाहर निकल गए ना, तो आपकी पूरे दिन की एब्सेंट लग जाती है, तो फिर वो करेक्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम मुझे उसमें ये लगी कि अगर सोचो हम फिज़िकल एजुकेशन रिलेटेड है, हमें स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह खेलने पड़ते थे, तो अटेंडेंस का बहुत बड़ा इशू है। एक तो अटेंडेंस ऑनलाइन मार्क होती है, ऊपर से 75% नेसेसरी है, उसके अटेंडेंस के मार्क्स भी मिलते हैं, अगर आपकी 5 है, अगर 100% है तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, 95 4 है, 80 पे 3 है एंड ऑल। आपको एक OD फॉर्म दिया जाता है, और OD भी लिमिटेड होती है, OD फॉर्म होता है ऑन ड्यूटी, लाइक आप MET यूनिवर्सिटी के काम से गए हो, अगर आप MET यूनिवर्सिटी के काम के बगैर जाते हो तो आपको OD नहीं मिलेगी, और अगर आपको, तो ये था इशू नंबर 2। थर्ड इशू इज़ द वेरी बिगेस्ट इशू, अगर आपके घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो आप छुट्टी नहीं ले सकते, ये मान लो, फिर आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। लाइक अभी रिसेंटली काफ़ी केसेस होते हैं हमारे कोर्स में, हमारे सीनियर्स होते हैं ना वो हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको कभी इंजरी हो गई खेलते वक्त, या फिर मेरे 2-3 दोस्त हैं, एक का एक्सीडेंट हो गया था और एक की स्लिप डिस्क हो गई थी, तो भाई उनका तो साल बर्बाद हुआ, उन्होंने फिर जूनियर्स के साथ ही पेपर दिए, और सीनियर जो थे वो जूनियर बन गए और जूनियर सीनियर बन गए, ऐसा हुआ उनके साथ। तो ये भी सीन थोड़ा MET में बहुत है, और जो स्टाफ की बात बताऊँ तो स्टाफ और फैकल्टी है वहाँ का, वो थोड़ा मतलब 10 में से 8 टीचर आपको अच्छे मिलेंगे, 2 टीचर ऐसे मिलेंगे कि बिल्कुल ही बुरे, टू बी फ्रैंक, और
इसके अलावा तो एमएटी ठीक ही था, मतलब टीचिंग वाइज अगर बताऊँ तो ठीक है कंपेयर टू LNIP, बिकॉज LNIP मेरे को पसंद नहीं है, भले वो टॉप कॉलेज हो या ना हो। तो ये है सत्य MET यूनिवर्सिटी के बारे में। बाकी अगर भाई देखो पैसा है जेब में तो आप MET यूनिवर्सिटी जाओ, बेझिझक होकर जाओ। और भाई अगर आपको करनी है बदमाशी या लड़की का चक्कर या लड़की बाजी तो भाई बेफिक्र होकर MET जाओ, लड़कियां भरपूर हैं, पैसे उड़ाने वाले, पैसा उड़ाने की कोई कमी नहीं है MET यूनिवर्सिटी में। जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाओ, क्योंकि भाई तुमसे भी ऊपर लोग बैठे हैं MET यूनिवर्सिटी में और तुमसे नीचे भी लोग बैठे हैं। और भाई रैगिंग की बात बताता हूँ तुम्हें, रैगिंग तो मैं भूल गया, तो भाई रैगिंग वगैरह होती नहीं है वहाँ पे, ज़्यादा नहीं होती है, होती भी है तो भाई अगर पकड़े जाते हैं ना तो सस्पेंड हो जाते हैं। और भाई ये सीन वहाँ का बहुत तगड़ा है, अगर कोई भी किसी चीज़ में इंडल जो तवा पकड़ा गया कि जैसे गांजा फूंक रहा है या सिगरेट पी रहा है, किसी के साथ मारपीट कर रहा है, टीचर को गाली दे दी है, बहुत सारे सीन होते हैं, तो भाई सस्पेंड ही होना होता है। और भाई सीधा कनेक्ट टू योर फादर होती है, सीधा पेरेंट्स ही आते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता ये मान लो। सस्पेंड हो तो भाई सस्पेंड हो, और आपका सस्पेंशन जो है 1 वीक से लेके महीने तक भी हो सकता है, 1 महीना 2 महीना। पहले तो आपको बताते ही नहीं, आपका टाइम खाते रहेंगे कि भाई अभी तो ईमेल आएगी आपको, उसके बाद ईमेल आ गई तो उसमें ये नहीं पता होगा कि कितने दिन में ख़त्म होगा या कब ख़त्म होगा। और आपके जो आईडी कार्ड होते हैं ना, आईडी कार्ड के बगैर आप कॉलेज में एंट्री नहीं कर सकते, और आईडी कार्ड जो होते हैं कॉलेज में सबमिट हो जाते हैं। और जो MET सिक्योरिटी है ना भाई, वो बहुत ही टाइट है मान लो। तुम कार्ड किसी और का लेके जाओगे तो एक एक बंदे का कार्ड चेक होता है, 36,000 बच्चे हैं, एक एक बच्चे का कार्ड चेक होता है। तो ये मान लो भाई इम्पॉसिबल है कि आप बिना आईडी कार्ड के अंदर जा सकते हो। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, MET यूनिवर्सिटी जैसी भी है ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, बिकॉज सबको अपना बेस्ट देना होता है, और बच्चे तो भाई बुराइयाँ निकालते ही हैं, बाकी बाद में जाके उन्हें पता लगता है जो बुराइयाँ थी वही अच्छाई है। थोड़ा बच्चे ठीक हो जाते हैं, थोड़ा बिगड़ जाते हैं, जो ठीक हो जाते हैं वो अच्छे बता देते हैं, जो बिगड़ जाते हैं वो बुरी बताते ही हैं भाई। तो प्लीज़ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें।